हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे। निखिल जैन जी हैं, सागर जी हैं, तनिष्क बंसल हैं, सबको निखिल जैन रैंक वन। बहुत बढ़िया, लगे रहिए। अनिल जी, ये क्या आ गया बीच में? तेरे शहर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। कुछ याद उन्हें, निखिल जैन, तनिष्क बंसल, सागर मीणा। सागर जी कई दिनों से नहीं आ रहे थे, आज बहुत दिनों बाद लौटे हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। नमस्कार अविनाश जी, कल आए थे और चले गए। वाह जी, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। सीताराम जी को बुलाइए, नितिन गर्ग जी बुलाइए। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी, डी, बताइए। ए, बी, सी या डी? नमस्कार सबको। रिसर्चर जो खोज करता है, खोज, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए विदाउट एनी शोर। रिसर्चर जो खोज करता है, डिसीजन सेंटर कॉल द ऑर्बिटो फ्रंटल, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, फ्रंट और कॉर्टेक्स, ये दोनों तीनों मिलकर मस्त अग्रभाग पक्षभाग। तो इसका मतलब कि ये जो डोर्सल है, ये क्या है? पक्ष यानी पीछे, माइंड के अंदर जो ऐसे होता है आगे और पीछे का जो भाग है उसको कह रहा है। तो और भी फ्रंटल कॉर्टेक्स ये कॉम्बिनेशन होता है, तो आर जब भी होगा पी के बाद ही होगा, आर जब भी होगा पी के बाद ही होगा। आंसर क्या हो गया? ए। राधे राधे, नमस्कार। अरे आ गए क्या? ओ ये भी निखिल जैन का सही है, अविनाश जी का भी जवाब नहीं आया है। सागर जी अभी मेंस का रिजल्ट कल आ चुका है, आंखें खोल लीजिए, दिमाग को सचेत कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। टारगेट सीजीएल किससे अच्छा रहेगा कि सीपीओ को करिए, ताकि जल्दी से कवर अप करें आप, निखिल जैन। और अब पढ़ाई का मौका बिल्कुल चूकना नहीं है, हर एक शिद्दत से लग जाना है। चलिए, अच्छा हुआ गेस्ट आए, गेस्ट, अब गेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे आपको त्याग करना है, अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा संबंधों में नहीं रहना है, आप अपने लक्ष्य पे टारगेट रहे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए, सागर जी को नमस्कार। आ जाइए तो अंत तक टिके रहिए, जाइए मत, क्योंकि आज से पूरे जुनून से लगना है, मुझे भी, आपको भी और जितने फ्रेंड्स हैं सबको। ए, बी, सी या डी, जरा देखो एक बार। इन एडिशन टू, के अलावा, के अतिरिक्त, प्राइमरी थ्रेड जो प्राथमिक, टू द कैम्स रीडले, एक ये जो जान, एक जो है ये एक कछुआ होगा, एक टर्टल की प्रजाति है, सी टर्टल नाम है। कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प, श्रिम्प एक झींगा मछली, जानते हो क्या झींगा मछली? उसको बोलते हैं, छोटी छोटी होती हैं ऐसे करके झींगा। अब कैप्चर थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटाट, यानी जो उन रह रही हैं उनके अंदर खतरे, खतरे का जो है जहां वो रह रही हैं उसमें नेस्टिंग हो रही है, इसका मतलब कि जाल का खतरा। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल देखो आप, एक्सीडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक, ये एडजेक्टिव है। अब देखो, ट्रॉल्स एंड गिल नेट्स कंटिन्यू टू बी द, परिचय करा रहा है,
ट्रॉल्स ऐसे नेट का जाल ऐसे बिछा देते हैं ना, मछलियों को लगा देते हैं, आ जा फंस जा, आ जा आ जा, तो उसको बोलते हैं नेट्स कंटिन्यू टू बी द। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन एडिशन टू अब देखो कैप्चर हो रही हैं, तो ये कैप्चर जो इन फिशिंग गियर लाइक श्रिंप श्रिंक की जैसे इन फिशिंग माने उनको फिश गियर में फंस रही है, इसका मतलब कैप्चर, तो कैप्चर जो है वो कैसी हो रही है, अचानक क्या होता है, एक्सीडेंटल कैप्चर, खतरा है और खतरे का अचानक जो है कैप्चर किसमें, फिशिंग गियर लाइक श्रिंप, यानी क्यू जो है जब भी होगा वो आर के बाद ही होगा। और कोई आंसर है ही नहीं, एक्सीडेंटल क्या चीज कैप्चरिंग। अब देखो, और ये जो जाल लगा रहे हैं कंटिन्यूटी टू बी द परिचय करा रहा है, टू बी द तो आर के बाद क्यू, और ये देखो बी द प्राइमरी थ्रेट टू कैम्स रीडले सी ट्रेटल, यानी प्राथमिक जो है खतरा है, भविष्य का खतरे को थ्रेट बोलते हैं, तो यानी लास्ट में सबसे क्या होना चाहिए पी, और क्यू के बाद क्या आना चाहिए आर, क्यू के बाद क्या आना चाहिए क्यू, जब भी होगा आर के बाद होगा, आंसर क्या होगा सी। कहां पे पूछो, अरे पूछो कौन सा, बोलो बोलो, इन एडिशन टू प्रेपोजिशन है कैसी, थ्रेटेंड नेस्टिंग, गुड नेस्टिंग, बैड नेस्टिंग, हैबिटेट, थ्रेटेंड यहां एडजेक्टिव हो गया, हैबिटेट यहां नाउन हो गया। राम 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 राम, मंतेश हैं, लग जाइए। तेरी ही दुनिया में जी, हाँ मंतेश जी का जवाब आ गया, नहीं आया, लगे रहो मंतेश जी, शेयर कर दो, निखिल जैन शेयर कर दो, सबको बता दो। एसएससी यूपीएससी से भी आगे निकल चुका है, ये ध्यान रखिए, एक महीने में ही सवा महीने में ही रिजल्ट फाइनल, नौकरी आराम से इसमें मिल जाएगी। आइए, डीफॉरेस्टेशन यानी वन का जो वन कटाव करते हैं, डी माने डाउन, फॉरेस्टेशन, वाइल्ड फायर जंगली आग, और जो पॉल्यूशन है प्रदूषण है, कॉजेज का मतलब कारण बनता है, एनिमल्स लूज देयर होम्स, अपने घर जो है खो देते हैं, तो क्या होगा, 90% जो इन्फिनिटी होते हैं वो के लिए का जवाब देते हैं और 10% नाना नीनी का। तो अब बताओ, तो एनिमल्स कॉजेज एनिमल्स, एक लड़का ऑफ लगा रहा है, अगर ऑफ लगाओ तो फिर प्रेपोजिशन होगा, तो ये फिर लॉजिंग होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये वर्ब है तो ये गया, अपने घर को खोना, तो आंसर क्या होगा, कॉज टू लूज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एनिमल्स हो सकते हैं, मे बी, एनिमल्स मे बी, बताइए ए बी सी या डी। अब देखो मे बी, बी के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये गया गया, ये रह गया ऑब्सोलीट एडजेक्टिव, होता है जो अप्रचलित, जो चलन में ना हो, और प्रभावित या गुड है या बैड है, बाय देयर सराउंडिंग, आसपास का जो क्षेत्र होता है उससे सराउंडिंग्स, तो वहां उसको क्या बोलते हैं, अफेक्टेड, इंटेंसिफाई, तो उसकी तीव्रता को और बढ़ाएगा, इंटेंसिफायर होती है, इंटेंसिफाइड बाय द सराउंडिंग नहीं, क्या होता है उनका, उनके ऊपर असर पड़ेगा, असर पड़ता है, मे बी अफेक्टेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ई वाला तो कभी वर्ब बनाता नहीं है। मोस्ट इंडिविजुअल्स, जो अधिकांश हैं, मोस्ट इंडिविजुअल्स आर क्या, बताइए,
पहले उसको छोड़ो, पहले आप आगे पढ़ो, दैट दे आर टेकिंग डाउन एन एनिमल्स होम। टेकिंग डाउन एनिमल्स होम का मतलब है कि वेन कट ट्रीज फॉर, यानी उनके एनिमल्स के जो घर हैं उनको तबाह कर रहे हैं। वेन कट डाउन ट्रीज फॉर वुड, जब लकड़ी के लिए जंगल के मतलब लकड़ी के लिए जब काटते हैं पेड़ों को, इससे जो है उनके घर को क्या कर देते हैं, टेक माने ऐसे डाउन नीचे कर देना, यानी गिराना, इसके खत्म करना। तो अब बताओ, मोस्ट इंडिविजुअल्स, अपने व्यक्तिगत के लिए अधिकांश जो है मेड इंडिविजुअल्स जो है वो क्या है, गिरा क्यों रहे हैं, क्योंकि सचेत हैं या सचेत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी अप्रहेंसिव, तो क्या होती है, शंका होती है, तो और बैड बुरा है। कॉन्शियस तो सचेत होता है, तुम कॉन्शियस नहीं हो अपने, तो क्या हो जाएगा, बी अनअवेयर। अब देखो, एनिमल्स इज ऑल्सो लॉस्ट, खो देते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ वाइल्ड फायर, जंगल की आग के चक्कर में वो जो बेचारे हैं वो अपना क्या खो देते हैं, ए बी सी या डी। अरे क्या होगा, एनिमल का क्या होता है, निवास, और ये डोमेन तो क्षेत्र होता है, क्षेत्र जो है डोमेन, क्षेत्र किसी एरिया विशेष का क्या होता है, क्षेत्र। निवास स्थान को क्या बोलते हैं, हैबिटेट। और हस्बेंड्री तो क्या होती है, कृषि। द मेन कॉजेज ऑफ, जो मुख्य कारण, अब देखो कॉज क्या लेता है, ऑफ। तो एक लड़का कह रहा है कि यहां कॉज ऑफ क्यों नहीं ले रहा है, अजी ऑफ कर दोगे तो यहां लूजिंग करो, लेकिन यहां करने का सेंस अभी कैंस हुआ नहीं है, लूज करना। तो एक लड़का कह रहा है कि एनिमल्स, द मेन कॉजेज ऑफ, मुख्य कारण है एनिमल्स, कॉजेज ऑफ एन एनिमल बिकमिंग बन रहे हैं, बिकमिंग आर पोचिंग एंड स्मगलिंग। पोच का मतलब होते है शिकार करना, स्मगल का मतलब होता है कि उसको बेचने के मकसद से किसी को स्मगलिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं। द मुख्य कारण है एनिमल जो बिकमिंग बनना, क्या बनना, ए बी सी या डी। डिस्ट्रक्टिव तो तबाही वाला होता है, डिस्ट्रक्शन से बना हुआ है, नुकसानदायक, लेकिन क्या हो रहा है, खतरा। इनडेंजर्ड स्पेसीज, जिन पर खतरा मंडरा रहा है वो कैसे स्पेसीज हैं, इनफ्रीड। इनफ्यूज का मतलब होता है किसी के अंदर भरना, इनफ्यूज डालना कोई चीज, और जंगली तो होगा नहीं। इनडेंजर्ड का मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त, ये याद रखिए, इनडेंजर्ड। पॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल, हार्मफुल क्या ले रहा है, टू लेता है, हार्मफुल टू एनिमल्स एंड देयर इन्वायरमेंट। एनिमल्स आर इंटरेस्टेड एंड ट्राई टू, एनिमल्स की रुचि को बता रहा है और ट्राई, कोशिश करना टू ईट द पॉल्यूशन कॉजिंग थिंग्स। पॉल्यूशन की वजह से जो पॉल्यूशन की वजह से जो चीजें हो गई हैं वो कारण बन रही हैं, क्या एनिमल्स को खाने के लिए मजबूर कर रही हैं, क्या करें, वही है ये खाने के लिए। फर्दर मोर, आगे के विवरण के लिए, सम रिवर्स, कुछ नदियां, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत आर बिकमिंग, बन रहे हैं, कैसे, प्रदूषित, बन रहे हैं, लिंकिंग वर्क, फोर्सिंग एनिमल्स, फोर्स करते हुए एनिमल्स को रीलोकेट, री माने फिर से, लोकेट माने यानी पुनर, अपना जगह ढूंढ लो, हटो वहां से, रीलोकेट। आग लगा दिए, सब कुछ कर दिए, तो क्या करेगा आदमी, दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो रीलोकेट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अरे फिक्रों, इंट्रेंच, ए बी सी या डी। अब ध्यान से सुनो जरा, इंट्रेंच,
इन प्लस ट्रेंच, ट्रेंच माने क्या होती है, खाई, खाई के अंदर, यानी अंदर गहरा ऐसे जा रहा है, यानी इंट्रेंच का मतलब होता है पैठ बनाना। इंट्रेंच माने क्या होता है, पैठ बनाना। इंट्रेंच इन पॉलिटिक्स, इंट्रेंच इन पॉलिटिक्स, राजनीति में क्या करना, पैठ, कि बड़े बड़े विधायकों से, नेताओं से पैठ बनाना अंदर। ट्रेंच इन माने ईएन को इन से याद करो, और ट्रेंच माने खाई, खाई कहां होती है, नीचे अंदर तक, गहराई तक पैठ बनाना। स्टेबलिश तो स्थापित करना होता है, स्टेबलिश तो बिजनेस होता है, स्टेबल से बना हुआ है, स्टेबल, स्टेबलिश, स्टेबलिश कर रहे हो कि इतने दिन से पढ़ते पढ़ते हो गए, शादी के बाद क्या करते हो, स्टेबलिश होना, यानी कहीं पर स्थिर होना, स्थिर होना, रहना। और क्या हो जाएगा, इम बेड, हेलो हेलो हेलो, ये इन इन बेड है, बेड के अंदर, यानी मामला क्या है, गहरा, बहुत डीप तक चला गया, बेड तक चला गया, ये इसी से बना है भाई, यानी कोई व्यक्ति आपके कमरे तक पहुंच गया, इसका मतलब कि गहरी पैठ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, इसका मतलब भी वही होता है, पैठ बैठाना। और डाइल्यूट तो वीकन, तो कमजोर करना होता है, वीक से बना हुआ है, और ये वर्ब हो गया तो कमजोर बनाना, कमजोर करना। डाइल्यूट पतला, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सांद्र और आसुत जल, शायद साइंस में पढ़ा होगा सबने। तो डाइल्यूट वाटर होता है ये, पतला होता है वो, अरे भाई, अरे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तनु बोलते हैं उसको, तनु वेट्स, क्या नहीं बोलते, अविनाश जी का सही हो गया, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अरे कहाँ जाएगा ये, तेरे मेरे मुझसे बच के कहाँ जाएगा ये, सागर जी, अविनाश जी, आइए आइए, नमस्कार। इनइफिशियंट, इन माने ए, पहले तो आंसर बताइए, ए बी सी या डी, अरे आपको पता है कि इन माने नहीं, नो, और इफिशियंट माने कुशल, तो जो अकुशल हो, इनइफिशियंट वर्कर्स, नकारे, इनइफिशियंट वर्कर, जो किसी काम के नहीं है, नकारे लिख दो, या अकुशल, ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि ये नकारा ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, जो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव बिजनेस, फायदेमंद, जो फायदेमंद हो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव। तेरे से फिर से, और क्या हो जाएगा इसका, वेस्टफुल, वेस्टफुल का मतलब होता है बेकार, वेस्टफुल मटेरियल खाओ, और सब जो वेस्टफुल मटेरियल है, जो फालतू का, फालतू, उसको फेंको। और इफेक्टिव तो कार्य कुशलता होता है। अब देखिए जरा, कंपटीशन यदि किसी से हो जाए तभी वो क्या है, कम माने साथ, और पीटेंट योग्य, इसका मतलब कंपिटेंट का मतलब होता है कुशल, कंपिटेंट, कंपिटेंट वर्कर्स, कुशल कार्यकर्ता, जो मेहनती हो। ला 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 ला, निखिल जैन जवाब कब दोगे। अविनाश जी क्या कर दिया, इनइफिशियंट है, ये सिनोनिम्स है, अपटन, ए बी सी या डी, अपटर्न, अप माने ऊपर, टर्न माने बदलाव, ऐसे तो क्या हो गया, उछाल, पढ़ो, अपटर्न इन बिजनेस, अपटर्न इन शेयर मार्केट, अपटर्न इन बिजनेस लिख लो,
उछाल ये होता है, तो क्या हो जाएगा सर्ज। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, सर्ज, सर्ज इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है बढ़ोतरी। और डी माने डाउन, गिरना, तो गिरना क्या होता है डिक्लाइन। और प्लमेट, प्लमेट का मतलब होता है ऐसे उठा फिर धड़ाम से ऐसे नीचे आ गया, तो लड़खड़ा करके मतलब बहुत नीचे आना क्या होता है प्लमेट इन शेयर मार्केट, प्लमेट। गिरना अचानक नीचे आना अचानक, यानी शेयर मार्केट से याद रखो, शेयर मार्केट कि शेयर मार्केट निफ्टी और ये यहां चल रहे थे और नीचे आगे धड़ाम से अचानक, तो आंसर क्या हो जाएगा सर्ज, बढ़ोतरी, वृद्धि। यहां वृद्धि लिखो इसको, आप एक एक चीज को लिखना है क्योंकि एसएससी आज तक इतना मौका कभी दिया नहीं है उसने, तो लग जाइए, वही होगा जो खुदाए मंजूर होगा। निखिल जैन कहाँ गए, न दिन में चैन न रात में चैन, निखिल जैन। अरे यार क्या हो रहा है, चलिए बताइए। रिस्ट्रिक्ट, ए बी सी या डी, क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट तो जानते हो, स्ट्रिक्ट हो जाना। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं घूमने जा रहा हूं। अच्छा रुक, कहाँ जा रहा? नहीं, तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है फिर पुनर, मतलब उस पे क्या बोला, अंकुश लगाना, बाधा लगाना, क्या होता है बाधित करना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। और कन माने साथ, स्ट्रेन, तो इसका मतलब भी क्या होता है, लगाम लगाना। रिलीज तो छोड़ देना होता है, और फैसिलिटेट, फैसिलिटी से बना हुआ है, किसी को कुछ प्रदान करना या देना क्या होता है फैसिलिटेट, प्रदान करना। अरे प्राइस फैसिलिटेशन होता है कि आइए फर्स्ट प्राइज लीजिए, सेकंड प्राइज लीजिए, कुछ पैसे दीजिए, किलो में लीजिए, क्या है ये। एक्स माने बाहर, और पैन, एक्सपैन का मतलब होता है विस्तार करना, बिजनेस का क्या करते हैं फैलाव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तेरे शहर से आई है, सीताराम जी कहाँ हो? हाँ बुला लो सीताराम जी को, बुला लो निखिल जैन जी को, बुला लो, ये लोग कहाँ हैं, ये जुझारू कार्यकर्ता। क्वेस्ट, ए बी सी या डी, देखो जरा। क्वेस्ट किसी के अंदर जो तृष्णा, जानते हो, क्वेस्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की जो अंदर जो तृष्णा होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वेस्ट। ललायित होता है ना व्यक्ति सीखने के लिए, क्वेस्ट, 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 क्वेस्ट का मतलब चाहत, क्वेस्ट फॉर लर्निंग। सीखने की क्या ललक, झलक नहीं ललक। अब देखो रिट्रीट तो होता है पुनर्वापसी, ट्रीट, लगाम में कस गए थे, पुनर्वापसी हो गई तो क्या हो गया। और इन माने नहीं, एक्शन माने कार्य, तो निष्क्रियता क्या होती है, इनएक्टिव गैस, एक एक्टिव होती है हीलियम वगैरह वो जो। और एक्स माने
बाहर, और पेड पद बाहर, एक्सपेंडिशन यानी कोई अभियान जो होता है नई नई चीजों के लिए निकलते हैं खोज में, तलाश में, किसी चीज को ढूंढने में, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिशन। अरे कदम ऐसे बढ़ाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका? एक्स, एक्स माने बाहर, इसको बाहर, पद माने पैर, तो पैर को बाहर निकालना जो है, जल्दी जल्दी बढ़ाना, किसी चीज के अभियान में लग जाना, एक्सपेंडिशन। जैसे टनल में से इनको निकालना था मजदूरों को, तो क्या चला था? एक बहुत अभियान चला था, तेजी से जल्दी पांव बढ़ाओ, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, एक्सपेंडिशन। एक आह भरी होगी, प्रिविलेज, ए बी सी या डी, ये तो बहुत ही सरल है, ऑप्शन सरल है, लेकिन इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करो प्राइवेट प्लस लीगल, प्रिविलेज विशेषाधिकार, प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या विशेषाधिकार, प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या विशेषाधिकार, एक अधिकार होता है, एक विशेषाधिकार होता है, अधिकार से भी ऊपर। ओहो हो हो हो, ए निखिल ग्रेग, नितिन गर्ग जी कहाँ हैं, निखिल जैन कहाँ हैं, सीताराम जी कहाँ हैं? अब देखो आप, राइट तो, हेलो, राइट जब एडजेक्टिव होता है तो ठीक, और राइट जब नाउन होता है तो अधिकार, तो यहां अधिकार का सेंस लिख दो, कम्युनल राइट, वो राइट अलग होता है, उस दंगा होता है, ये देखो ये रायट है, ये दंगा वाला है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और डिस माने दूर, एडवांटेज माने फायदा, तो इससे क्या होगा? जो डिसएडवांटेज का मतलब होता है, इसका क्या नुकसान, बेनिफिट जानते हो, इनटाइटलमेंट, टाइटल, इन टाइटल, इन माने अंदर, ई एन को इन से याद करो, टाइटल, किसी को विशेष उपाधि देते हैं ना, किनका सिलेक्शन हो गया, किसमें? बे, तो क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज हो गया दोनों लोग का सिलेक्शन, वाह। चलिए स्टेगनेंट, ए बी सी या डी, स्टेगनेंट को स्टे से याद रखो, स्टे, स्टे ठहरना, तो क्या होता है? स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर, ठहरा हुआ जल, जो हो, पानी जो है ठहरा हुआ है, इसका मतलब स्थिर जल, ठहरे हुए पानी में, वो कंकर नमार सांवरी है। डायनामिक, स्टेटिक और डायनामिक होता है ना, गति यानी गति, डायनामिक, डायनामिक पर्सनालिटी, हाँ यार, डायनामिक एनर्जी भी होती है, डायनामिक पर्सनालिटी भी होती है, और स्टेटिक तो जानते हो, स्थिर, स्टे, स्टेटिक, जो स्थिर है, हिल नहीं रहा है, ये बोर्ड क्या है? स्टैटिक कंडीशन। और इनएक्टिव अभी थोड़ी देर पहले हो गया था, स्लगिश, सुस्त है, एकदम ब्रेड की तरह से चाय में बिस्किट डाल देते हैं वैसा है, स्लगिश बिहेवियर या स्लगिश रिस्पॉन्स, पूछ रहा हूं कि अरे क्या हुआ, तो कह रहे हो कि पढ़ नहीं रहे हो क्या,
पढ़ रहा हूं। हाँ? आ गई तेरी तो। पैट कुछ नहीं है फालतू। क्लिंग ए बी सी या डी। क्लिंग यार, क्लिंग टू चिपकना। जुड़ना जुड़ना चिपकने रहना। ऑलवेज क्लिंग। He is he always clings to his book। वह अपनी किताबों से हमेशा क्या है, चिपका रहता है, मतलब उसको लगाव सा है। और देखो डी माने डाउन, टैच अटैच से दूर, तो डिटैच माने क्या होता है, दूर होना, इसका मतलब कि कहीं से। और क्लैस्पिंग, क्लैस्प किसी चीज को हथियाना, एक तो ग्रैस्प लिखो, ग्रैप माने अपने हाथ में आ जाए, कब्जा, मौके का फायदा उठाना, ग्रैस्प अपॉर्चुनिटी, हथियाना। कि अब एसएससी ने इतना मौका दे दिया है, वी हैव टू ग्रेस्प दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को क्या करना है, इसको हथिया लेना है, फायदा उठा लेना है इसका। और क्लैस्प होता है किसी चीज को जकड़ना, ऐसे जकड़ लेते हैं ना किसी चीज को, क्लैस्पिंग। करवाता हूं अभी तुम्हारा। एडियर टू, एडियर अबाइड बाई, गो बाई, अबाइड बाई, एडियर टू, एडियर टू, ओबे, कंप्लाई विथ, ये सब पालन करने के हैं। अबाइड बाई, तो क्या हो जाएगा, डिटैच। अपस्विंग, अप माने ए बी सी या डी। कौन सा होगा, अप माने ऊपर, स्विंग माने उछलना, तो अप स्विंग का मतलब होता है उछलना, उछाल मतलब अप स्विंग इन ग्रोथ, अप स्विंग इन, अप स्विंग इन ग्रोथ, यानी ग्रोथ तो खुद ही होता है, अप स्विंग इन, अप स्विंग इन ट्रेड मार्केट। बढ़ोतरी, हेलो, ये वर्ल्ड कप नहीं है जो देख रहे हो। डाउन टर्न, डाउन माने नीचे, डाउन टर्न नीचे आने का सेंस जो होता है ना, वो डाउन टर्न होता है। सर जब अभी अभी थोड़ी देर पढ़े पढ़ा था, वो रिपीट हो गया। एसेंडिंग, एसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, एसेंडिंग ऑर्डर होता ना बढ़ना, तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो कहीं पर असेंडिंग ऑर्डर, तो घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ, हैं? अरे गजब है, कर दिए यार।
और किसी को असेंड माने अपनी सहमति दे देना भी होता है वर्ब के फॉर्म में, क्या होगा? डाउंट। राइज जानते हो ना, राइज माने उदय भी होता है और बढ़ोतरी भी होती है। हाँ, सीताराम आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार सीताराम जी, नितिन गर्ग जी को बुला लीजिए, आ जाओ भाई, आइए। देखिए इधर देखो आप लोग, कन्फ्रंट ए बी सी या डी। ए बी सी, कन माने साथ, फ्रंट माने सामना, तो आमना सामना करना क्या होता है? कन्फ्रंटेशन, आमना सामना करना। इनकाउंटर आप जानते हो कि आजा तेरे को, उसका मतलब भी क्या होता है? आमना सामना करना, इनकाउंटर। इनकाउंटर में ढेर हो गए, जैसे योगी जी की पुलिस है, सबको कुछ नहीं, अब क्या कर रही है? लंगड़ा कर दे रही है, जीवन में कटरा लगे, वैब वैब करते रहना। तो इनकाउंटर का मतलब ये होता है सामना करना। और ये नाउन हो गया कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन होता है ना, आमना सामना करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? कन्फ्रंट। इसी को यार नाउन फॉर्म में लिख गया ये कन्फ्रंटेशन, तो क्या हो जाएगा? अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना। इग्नोर का मतलब किसी को मना कर देना, इग्नोर। देखते देखते हुए भी अनदेख ना देखना क्या होता है? अनदेखा करना, इग्नोर होता है। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, मेरा प्री नहीं हुआ सीताराम जी, तुम्हारा प्री नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा, इस बार तो बनना ही है। आइए, पुजारियों का ग्रुप ए बी सी या डी। कन माने साथ, ग्रेग माने झुंड, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? झुंड। ग्रुप किसी चीज का झुंड होता है ना, उसको बोलते हैं, तो वो अलग होता है। और कारवां, ये कारवान पढ़ते हैं इसको, कारवां जानते हो ना, काफिला, इस प्रधानमंत्री का कारवान जा रहा है, कारवां। तो कारवां तो हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन किसको? कारवान, कारवान ऐसे पढ़ते हैं। और फोसे, किसी मकसद से दल, किसी खास मकसद से जो है चलने वाले लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? और कॉन्स्टिलेशन, कन स्टेल स्टेलर, ये जो नक्षत्र ग्रह जो तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन। बार बार याद करिए, अ ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स। अ हैप्पी डेवलपमेंट आर हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाय चांस, एक अच्छा खासा सुधार और ये घटित हो रहा है ऑफ इवेंट्स बाय चांस, अचानक। जिंदगी मौज है, कौन सा होगा? ए बी सी या डी, क्या हो जाएगा? सेरेंडिपिटी, यानी सुखप्रद जो चीजें होती हैं। सेडेंट्री, एक सेडेंट्री होता है जिसमें काफी काम हम करना नहीं पड़ता है। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि सुखद, सुखद जो होता है ना वो होता है सेरेंडिपिटी, सुखद। सुखद अनुभव जो होता है ना उसको बोलते हैं। और सर्ट इंसिडेंट, घटना होगी,
और अकरेंस का मतलब होता है कि इस चीज की आकस्मिकता जो होती है ना, बार बार जो घटती होती है ना, अकरेंस, आकस्मिक, अकर। नेक्स्ट चलिए सी। हे लग जाइए जिसकी, हे भरोसा खुदा पर होगा तो वही मिलेगा जो खुदा चाहेगा। द क्यूरियस नेवर्स, जो जिज्ञासु पड़ोसी था, वर डिसअपॉइंटेड, बड़े निराश थे। एज द यंग कपल्स क्वेरल वॉज, जो ये उनके बीच जो झगड़ा थी वह जस्ट ए स्टॉर्म इन टी कप, छोटी छोटी बातों को लेकर के कि मैं ये काम नहीं करूंगा, बर्तन तुम धो, कपड़ा वॉशिंग मशीन वॉशिंग वाला आ गया फिर भी कपड़े मैं नहीं, तुम धो, ये सब है। तो क्या होता है, ए बी सी एड, छोटे से कप में तूफान है, यानी बात का बतंगड़। बात का बतंगड़ क्या होता है, फस अबाउट अ ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब होता है जो छोटी बात है, और फस का मतलब होता है उसको ऐसे ढकोसला टाइप के क्रिएट कर देना। क्या होता है फस, ढकोसला, फज। तो क्या आंसर हो जाएगा, ब्रिटल तो होता है जो टूट जाए तुरंत। चाय के कप को लेकर झगड़ेंगे, टू बी एट ड्रेगर ड्रॉन, ए बी सी या डी। तलवारें खिंच जाती है ना ऐसे, ड्रैगर ड्रॉन, तलवारें खिंच गई, इसका मतलब ए बी सी या डी। अरे टू बी बिटर एनिमी, शत्रुता आ गई, दम मतलब वो कड़वाहट आ गई, मतलब बिटर ना, एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं। डी, नेक्स्ट चलिए। अब्दुल कलाम का घर जो है लोकेटेड ऑन मास्क, ये मस्जिद के कोई मास्क स्ट्रीट, जो मस्जिद जहां होती है उसको बोलते हैं। वॉज विद इन द रीच, पहुंचते था आप द फेमस टेम्पल ऑफ रामेश्वरम के मंदिर, रामेश्वरम जो मंदिर है उसके बहुत उसके पास ही था। इट वॉज जस्ट फ्रॉम इट, ए बी सी या डी। अरे नजदीक ही था, यानी स्टोन थ्रो, इतना नजदीक था कि पत्थर फेंक दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आई स्टोन थ्रो अवे, जहां पत्थर फेंक देंगे, यानी पत्थर नजदीक चीजों में ही फेंक सकते हो, ये नहीं कि कोई भी फेंक दिए। मैं बोलूंगा अपने गांव पत्थर फेंको, फेंक दो कि नहीं फेंक पाओ, तो पत्थर फेंक पा रहे हैं, इसका मतलब कि 100 मीटर में ही है। एट वंस फिंगर टिप, पूरी तरह से क्या होता है, व्यक्ति तैयार रहता है, मतलब उनके जो उंगलियों पर है। और एट एन एम्स आर्म्स लेंथ, उचित दूरी बनाए रखना, उचित दूरी बनाना कि थोड़ा भाई साहब थोड़ा दूर रहो। और फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दर दर की ठोकरें खाना। और एट फिंग वंस फिंगर ट्रिप, टिप का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जुबान पे है कोई चीज, यानी इसका बताना, हाँ ये होगा, इसका बताना ये भी है।
फिंगर टिप यानी देखना, जैसे प्रॉपर हिंदी देखना इस, देखो इस बार, हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ यार, सचेत रहना होता है ना यार हमेशा, ऐड यानी अलर्ट, सक्रिय, इसका मतलब यही होना होना चाहिए। क्या होगा ये नेक्स्ट, चलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वाइल क्रॉसिंग द हाईवे, हाईवे को पार करने के दौरान एक फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड, देखो ये पूरा डिटर्मिनर, ये पूरा एडजेक्टिव है, इसीलिए ईयर्स नहीं लगा इसमें, नाउन्स के एडवांस में बताया था शायद, कल ही हुआ था। वॉज नॉक्ड बाई ए पासिंग, गुजरती हुई कार से, ए बी सी या डी। नॉक डाउन कौन होता है, धक्के देकर गिरा देना, उसे धक्का लग गया और वो क्या हो गया बेचारा, गिर गया, नॉक डाउन, धक्का देकर गिराना क्या होता है, धक्का। धक्का लग गया और वो बेचारा क्या हो गया, गिर गया। बिरबल खरवाल जी हैं, बड़े दिनों बाद दिखे हैं। सीताराम जी का सही है, सागर जी का गलत हो गया, पता नहीं कैसे गलत हो गया। नेक्स्ट चलिए, कमर कस लो मेरे वीरों, सीजीएल आने वाला है, अगर इस मौके का फायदा नहीं तुमने उठाया तो बाद में पछताना पड़ेगा। ए बी सी या डी, आस्क्ड मी किस में बदल जाएगा, सेड टू, ये गया ये गया ये, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है तो ये टेंस का फॉर्म ही बदल गया। आंसर क्या होगा, सी। क्या वॉइस सर, सीताराम जी कह रहे हैं क्या वॉइस सर, अरे मैं तो, खड़े खड़े गाना बना देता हूं उसमें, उसको नहीं है, बस ये है कि बॉलीवुड वालों ने मुझे बुलाया नहीं अभी तक। अरजीत परजीत, मेरे फेफड़े क्या के नहीं टिक पाएंगे, मेरा नहीं, मैं अहंकार नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, नहीं तो बुला लो अरिजीत सिंह को, यदि मेरी, अगर मेरे इतना सांस अगर उसकी रुक गई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। वो अलग बात है कि उसको मिल गया टाइम पे, उसके घर वालों ने कह दिया कि भाई तुम जाओ सिंगर बनो, हमारे घर वालों ने कहा कि सिंगर फिल्मों में जाओगे हीरोइनों के साथ, नहीं आई स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड, ऐसे लग गया ऐसे, ए बी सी या डी बताइए, ए बी सी डी। अरे यार कौन सा होगा, स्ट्रक सेकेंड फॉर्म है, अगर ये एस है, एस लगता तो प्रेजेंट में होता, माई हेड वॉज स्ट्रक, कि मी यहां ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह पे मी किस में बदल जाएगा, आई में, ये टेंस ही बदल गया, ये आई वॉज स्ट्रक बाई, आई वॉज स्ट्रक ऑन है,
तो क्या होगा, आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाई अ स्टोन, आंसर क्या हो जाएगा? रुको, ठीक है ठीक है, डी होगा इसका, क्या होगा? डी। ये जब साथ में आता है ना तो दोनों एक साथ आ जाते हैं फिर, ये फ्रेज। देखो यहां पे ये ऑन द हेड, जरा इस बच्चे इसको समझाने दो, नहीं तो ये कहेगा कि देखो इधर स्ट्रक मी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये टोटल मिलकर के क्या हो गया, कहां पर? एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ठीक है। लेकिन जब इसको पैसिव में बदले तो ये इसके क्या हो गया, साथ आ गया। बाई आई वॉज स्ट्रक बाई अ स्टोन ऑन द हेड, आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाई अ स्टोन हो जाता है, माध्यम हो गया स्टोन, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अरे यार आदमी थोड़ी आदमी कोई पत्थर फेंकेगा ना, इनकरेक्टली बताओ, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या दे रहे हैं ये सब? बिल्कुल सही है सीताराम जी, सही है। ए बी सी या डी, एसेसिनेशन तो होता है किसी का, जो है हत्या, राजनीतिक रूप से हत्या जो होता है ना वो होता है, किसी को किसी मकसद से बना दिए तो क्या हो गया, हत्या। रूथलेस तो जिसके अंदर कोई जो है निर्दय, निर्दयी, निर्दयी। और कैरिबियन हो जाएगा, कैरी और डबल बी होता है इसमें, आंसर बी हो जाएगा। थ्रिलिंग, रोमांचित करने वाला, पुलकित करने वाला, थ्रिलिंग परफॉर्मेंस। 12 बॉल पे 50 रन, युवराज सिंह कैसा परफॉर्मेंस है, थ्रिलिंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाला, मेस्मराइजिंग होता है वैसे तो। आ जाओ, द स्कूटर, एरर है कि द स्कूटर जो मैं लाया, दैट नहीं, जो मैं यूज कर रहा हूं इन दिनों, ए बी सी डी, बिलोंग का जो है स्टेटिव वर्ब है इसका नहीं होगा, बिलोंग्स हो जाएगा यहां पे, क्योंकि स्कूटर है इसमें, तो बिलोंग्स हो जाएगा यहां पे। इन दिनों दिल मेरा, चलिए ए, बी सी या डी। अब देखो लॉयर जो वकील साहब ने कहा, पूछा कि क्या वह वर्थ प्रेपोजिशन है, तो वर्थ प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए, के लायक, वर्थ वॉचिंग, क्या करने के लायक, देखने के लायक, वर्थ टेकिंग, ये याद करो तो लिखो तो सही। This movie is worth watching, यह फिल्म देखने के लायक है, के लायक, ना लायक नहीं, के लायक। आइए A, B, C या D, भगवान की दया से कई बार पढ़ा चुका हूं, नहीं समझ पाए। मैं तुम्हें सर्वेंट भेजूंगा, बट मैं तुम्हें, अरे ये बीमा वाला है, ये बीमा वाला है,
बीमा आईएन, और इंश्योर होता है, जबकि कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, इंश्योर हो जाएगा यहां पे, सुनिश्चित करना, ये बीमा करना है। ये तो लॉयर क्या कह रहा है कि आई विल सेंड माई सर्वेंट, नहीं सेंड, नौकर को भेज दूंगा, लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगा कि ही विल रीच देयर इन टाइम, समय पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इन टाइम का मतलब होता है दिए हुए समय से पहले, और ऑन टाइम का मतलब उसी टाइम पे, या सुनिश्चित करना, या अश्योर, आश्वस्त करना, यह भी हो सकता है। तो ज्यादा यही लिख लो, ज्यादा ये सही रहेगा। सुन लो, हिलना मत कोई। अरे यही एडिटोरियल में दे ही रहा है, मैं तो चाह रहा था कि वो भी, लेकिन नहीं, इनके जो फॉलोअर्स थे, पढ़िए, माधवेंद्र सिंह, माधव प्लस इंद्र है, कृष्ण और इंद्र दोनों मिलकर बने हुए हैं। जिम ने जाना है इस लड़के को, काइंडली पे अटेंशन, ये मेन है, ये सही होने लगा तो समझ लो कि सब सही हो रहा है, मुख्य कार्यकर्ता। चलूं क्या? बता, जल्दी बताओ, खेलना है। चलिए, अभी इजी आ रहा है, इसके बाद आएगा, देखना फिर। ए बी सी या डी, तो क्या हो जाएगा? पैसेज के अनुसार व्हाट डज नरेंद्र मोदी प्रपोज, किस बात को प्रपोज कर रहे हैं एज द प्राइमरी फोकस, मुख्य उनका जो फोकस है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, देश के अंदर क्या है? कास्ट बेस्ड, कहेगा कास्ट बेस्ड, सोशल हायरार्कीज, क्रमवाइज नहीं, महिलाएं, यूथ, फार्मर्स और गरीब लोग। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। सही है, चलिए। बीरबल खरवाल हैं, बीरबल जी कभी कभी गायब हो जाते हैं, कभी आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, और नितिन गर्ग जी पता नहीं कहाँ गए। तेरे दिल में पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अच्छा ठीक, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप लोग पढ़ो।
आइए बढ़ूं, कौन सा देखना है अब बताओ। नितिन गर्ग जी बाबा बालकनाथ जी से मिलने गए, लग रहा है मुख्यमंत्री बना के लौटेंगे। आ गया ना बड़ा वाला, तो मैं जा कह रहा हूं। पैसेज क्या सलाह देता है अबाउट द डिस्क्रिपेंसी, यानी उसमें भेद अंतर बिटवीन पॉलिटिकल रिटोरिक एंड एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी, राजनीति के भारतीय राजनीति के संदर्भ में क्या चीजें हैं। ए बी सी या डी, देखो द पैसेज हाईलाइट द इम्प्रेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। अरे काहे का इम्प्रेसिव, कहाँ रिप्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव है, वो तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है उनके बीच जो है वो बता रहा है। मतभेद अंतर, अब देखो आप, द पैसेज इन्फिसाइजेस द जेन्युइन कमिटमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जेन्यून कमिटमेंट कमिटमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू जेंडर इक्विटी थ्रू द एलोकेशन ऑफ पार्टी टिकट्स। अरे जेन्यून कमिटमेंट कहां दे रहा है, जेन्यून कमिटमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू जेंडर इक्विटी काहे का, जेन्यून कमिटमेंट कहां है, कमिटमेंट जेन्यून कहां है जेंडर इक्विटी में, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखो, Despite rhetoric about equal opportunities, the passage suggests that the actual representation of women in politics is disproportionately low. The passage commend the recent policy. तो यही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नहीं सागर जी आपका गलत हो गया, सी सही है। सीताराम जी माधवेंद्र जी का गलत हो गया, अविनाश। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जो समानुपात था उससे दूर हो गया, मतलब अंत ये कह रहा है। अरे बेरोजगारी वाले हार गए क्या, वो एक उठा था ना एक लड़का, बस यार घर के क्या कर रहे, देने की जरूरत क्या थी। आइए चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं, आज थोड़ा जो है लेवल बढ़ा है।
ए बी सी या डी। अब ध्यान से देखो, कौन सी घटना जो है डिस्क्राइब है, उल्लेखित है पैसेज के अंदर, जहां पे डोमिनेंट कास्ट यूथ सीक टू बी क्लासिफाइड एज लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के रूप में जो है वो सीक कर रहा है, यूथ सीक डिमांड कर रहा है द नेशन एक्सपेक्टिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ए बी सी, एक ही आंसर है, वो क्या होगा? डेमोग्राफिक रिक्लासिफिकेशन, पुनर्वर्गीकरण उसका, जहां लोग बाग रह रहे हैं, जो क्षेत्र है उसको क्या करते हैं, रिक्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, कपिल निर्मल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। चलिए देखिए, पढ़िए 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 पढ़िए। सीताराम जी का अभी तक जवाब नहीं है। अच्छा, ये आ गया, ठीक। तेरे मेरे जिद बजे साबित हो गए। पढ़िए 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 पढ़िए। कोई बात नहीं कपिल जी, क्लास में लगातार आया करो। अब क्लास खत्म हो रही है तो अब आ रहे हो आप, कंटिन्यू क्लास लीजिए। कुछ लोग आते हैं दर्शन देने, उसके बाद जो है दर्शन प्रदर्शन में बदल जाता है। अभी जगा रहा हूं, आइए। हो गया, चलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। आओ पढ़ो, थोड़ा ये डेंजरस है लेकिन पढ़ो एक बार आप लोग। ए बी सी या डी, बहुत बढ़िया। पैसेज के अनुसार कौन सा रोल इंडिविजुअल्स एक कंट्री लाइक इंडिया में इन विजन फॉर द स्टेट, व्हाट इज इंफेसाइज्ड, क्या जोर दिया गया है एज क्रूशियल फॉर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम मिडिल इनकम ट्रैप, जो जाल में फंसे हुए हैं। बस एक ही तो होगा, इनेबलर, और जो इन्वेस्टमेंट है इन हेल्थ एजुकेशन और नॉन फॉर्म जॉब, जहां पे जॉब नहीं है उसकी जगह प्रोवाइडर एंड आउटडेटेड पॉलिसी। अरे आउटडेटेड पॉलिसी तो मतलब क्या है, इनेबलर एंड आउट वॉन पॉलिसी नहीं। आंसर क्या होगा, सी डी। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ए बी से या डी। क्या हो जाएगा ये, सपोर्टिव कहाँ है, ये तो क्रिटिकल है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल।